आज के समय में भी किन्नरों के बारे में जल्द कोई बातचीत नहीं करना चाहता है। जी हाँ, किन्नरों को लेकर आज भी कई रहस्य बरकरार हैं। कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे वो अपना रहन सहन करते हैं, ये सभी बातें समाज से अलग है। जी हाँ, आपको बता दें कि किन्नर का समाज ही अलग है, जिसमें सभी किन्नर प्रजाति के लोग एक साथ रहते हैं। थर्ड जेंडर के तौर पर इनकी पहचान की जाती है। आपको बता दें कि भारत में इनका इतिहास तकरीबन 4000 साल से भी पुराना है। इसके बावजूद भी आज तक उन्हें समाज में समानता का दर्जा नहीं मिल पाया। जी हाँ, आज भी हम उनसे जुड़े कई पहलुओं को नहीं जानते हैं। आपको बता दें कि जब भी किन्नर समाज में किसी नए किन्नर का आगमन होता है, तो उसका स्वागत एक पर्व के रूप में किया जाता है। जी हाँ, किन्नर समाज में किन्नरों का स्वागत एक पर्व के रूप में करते हैं। इसके साथ ही उनकी भी शादी की जाती है। इंसान की जगह किन्नरों का विवाह उनके भगवान अरावन से होता है। इनके समाज में ये शादी केवल एक दिन तक ही मान्य होती है। किन्नरों के बारे में एक सच ये भी है कि वो अपने इस जीवन के सिवा अगले जीवन में कभी भी किन्नर नहीं बनना चाहते हैं। जी हाँ, इसके लिए वो बरूचा माता की पूजा कर उनसे माफी भी मांगते हैं। वो माता से मन्नतें करते हैं कि अगले जन्म में उन्हें किन्नर का जन्म ना मिले। जानकारी के मुताबिक बता दें कि हर किन्नर का कोई एक गुरु जरूर होता है। जी हाँ, किन्नर समाज में एक गुरु माता जरूर होती है, जिन्हें अपने शिष्य के बारे में पूरी जानकारी होती है। आपको आगे ये बताते चले कि किन्नरों के गुरु को किन्नर की गुरु माता को ये भी ज्ञात होता है कि आखिरकार उनके शिष्य की मृत्यु कब होगी। जी हाँ, शिष्य के रहस्य उस गुरु को ही पता होगा जिसका जन्म किन्नर की तरह हुआ हो। दरअसल मुगल साम्राज्य में इनको सबसे पहले अहमियत दी गई थी। औरतों के हरम की रक्षा के उन्हें इस योग्य तो समझा गया कि वो समाज की ही एक मुख्य भाग बने। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि किन्नर जो है वो शारीरिक रूप से जितने ही शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए मुगल साम्राज्य की औरतों की सुरक्षा के लिए मुगल सेना न सिर्फ रानियों की सुरक्षा के लिए बल्कि अनेकों को अपनी सेना में जनरल भी नियुक्त किया था। तो देखा आपने किन्नरों की मृत्यु से जुड़ा ये सत्य कि किन्नरों की गुरु माता को उनकी मृत्यु का रहस्य पता होता है। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।